देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। हजरतगंज में जिला अधिकारी आवास के पास में मौजूद सहकारी बैंक के खाते से जालसाजों ने करीब 150 करोड़ रुपए उड़ा लिए हैं। मामले की जानकारी होते ही अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। उन्होंने आनंद फानन उच्च अधिकारियों को बताया कि बैंक अधिकारियों ने मामले की जानकारी साइबर क्राइम मुख्यालय को दी है और साइबर मुख्यालय के अधिकारियों के आदेश पर सोमवार को साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पूरे मामले में बैंक कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है। मामले की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट की टीम को लगाया गया है। ये रुपया कई खातों में ट्रांसफर हुआ, जिसके बाद कुछ खाते की रकम भी फ्रीज किए गए हैं और बैंक अधिकारी खाते की जांच कर रहे थे और इस बीच ही उन्हें ये जानकारी हुई है। आपको बता दें कि सहकारी बैंक से 150 करोड़ घोटाले का मामला सामने आया है। साइबर पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर साइबर मुख्यालय के अधिकारियों के आदेश पर ही सोमवार को साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और पूरे मामले में ही बैंक कर्मचारियों की भूमिका जो रही है वो संदिग्ध बताई जा रही है। मामले की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट की टीम को लगाया गया है। ये रुपया कई खातों में ट्रांसफर हुआ है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिसके बाद कुछ खाते की रकम भी फ्रीज की गई है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर घोटाले का मामला सामने आया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि हजरतगंज में जिलाधिकारी आवास के पास में मौजूद सहकारी बैंक के खाते से जालसाजों ने करीब 150 करोड़ रुपए उड़ा लिए हैं। बड़ी जानकारी दे दे लखनऊ से, जहां पर मामले की जानकारी होते ही आला अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। उन्होंने आनंद फानन में उच्च अधिकारियों को बताया है कि बैंक अधिकारियों ने मामले की जानकारी साइबर क्राइम मुख्यालय को दी है और साइबर मुख्यालय के अधिकारियों के आदेश पर सोमवार को साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पूरे मामले में ही बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है और इसके साथ ही मामले की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट की टीम को भी लगाया गया है। इसी पूरी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ चुके हैं। दानिश, इतनी बड़ी घटना हो गई और जो घोटाले का मामला सामने आया है, पहले तो दर्शकों को पूरी अपडेट दे दीजिए कि मामला क्या है। देखिए, लखनऊ में जो जिला सहकारी बैंक है उसमें जो हैकर्स होते हैं यानी साइबर जो क्रिमिनल होते हैं, उन्होंने 150 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर दी है और लेकर के गबन कर दिया। यानी कि उसकी जो रकम थी सहकारी बैंक से, उन्होंने साइबर क्राइम ने सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ कि हैक करके पूरी 150 करोड़ की रकम लेकर फरार हो गए हैं। और इसमें जो रकम ली गई है वो किसी कर्मचारी के पासवर्ड और यूजर आईडी से निकाली गई है। हालांकि ये भी हो सकता है कि साइबर क्राइम की जांच में ये पता चलेगा कि कौन इसमें शामिल था और ये कर्मचारी की मिलीभगत से हुआ है या जाने अनजाने में हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी इसमें हेराफेरी दिखाई है, लखनऊ की सबसे बड़ी खबर है कि 150 करोड़ रुपए जिला कोऑपरेटिव बैंक से लेकर के साइबर क्राइम लेकर के उड़ गए। और यहाँ पर जो साइबर जो जिला सहकारी बैंक है, बैंक में कर्मचारियों के इस तरीके से इतना लंबी लापरवाही देखने को मिली है और साइबर क्राइम की चालाकी कहें या शातिरानापन कहें कि जिला सहकारी बैंक से 150 करोड़ की हेराफेरी कर वो फरार हो गए हैं। हालांकि इसमें अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल साइबर सेल में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि 150 करोड़ की हेराफेरी में क्या बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं बैंक कर्मचारियों का भी हाथ इसमें हो सकता है क्या? मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो अभी तक प्रथम दृष्टया जो सामने आया वो बैंक के कर्मचारी की यूजर आईडी और पासवर्ड से निकाला गया। तो जाहिर सी बातें, हो सकता है कि इसमें बैंक कर्मचारी भी शामिल हो या हो सकता है बैंक कर्मचारी को इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन साइबर सेल ही इसकी जाँच करेगी। पता चलेगा कि साइबर सेल की जाँच में 150 करोड़ की जो रकम निकाली गई है जिला कोऑपरेटिव बैंक से, तो वो किस कारण निकाली गई, कैसे निकाली, क्योंकि आज ये पहला मामला हुआ है। अगर कोई मिली भगत से होगा तो तमाम बैंकों में लोगों का, निवेशकों का पैसा जमा वो भी हड़प जा सकता है। इसलिए साइबर क्राइम के लिए सबसे बड़ी कार्रवाई है, सबसे बड़ी मैं कह सकता हूं घटना है। इसके लिए साइबर सेल को गंभीरता दिखानी होगी ताकि 150 करोड़ की हेराफेरी जो भी हुई अन्य बैंकों में ना हो। जी दानिश, हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ के होटल लेवाना अग्निकांड का मामला सामने आया है। दरअसल पूरे मामले में मारी गई युवती की मां ने कोर्ट में अर्जी दी है। बताते चले कि अग्निकांड में मारी गई जसप्रीत की मां ने कोर्ट में अब अर्जी दे दी है। जसप्रीत की मौत के लिए जिम्मेदारों पर FIR की अर्जी दे दी गई है और LDA BC समेत 21 लोगों पर FIR लिए जो है अर्जी दी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ से खबर है जहां पर यह अर्जी दी गई है, अग्निकांड मामला है। बताते चले कि होटल लेवाना की खबर है जहां पर जो ये अर्जी दी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मामला सामने आया था अग्निकांड का। पूरे मामले में मारी गई युवती की मां अब सामने आई है, जिन्होंने कोर्ट में अब अर्जी दे दी है। और यह अग्निकांड में मारी गई जसप्रीत की मां ने कोर्ट में अब अर्जी दी है ताकि जसप्रीत को इंसाफ मिल सके। दानिश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, पूरा मामला जो है वो सामने आया था अग्निकांड का और इसके साथ ही जो जसप्रीत कौर की अग्निकांड में मौत हुई थी, और इस मामले पे थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए दर्शकों को कि ये मामला था क्या। देखिए, लखनऊ में जो लेवाना होटल था, इसमें अचानक आग लग गई थी और आग लगने से कई लोगों की मौतें हो गई थी, कुछ घायल भी थे, जिसको लेकर के काफी बड़ी घटना मानी गई थी। और ये लेवाना जो होटल था, इसका नक्शा नहीं पास था, ये अवैध बना हुआ था। इसको लेकर के जो LDA हैं, LDA के जो VC हैं और तमाम कर्मचारी हैं, वो सब कहीं ना कहीं इसमें शामिल थे, जिसको लेकर के आनंद फानंद में जो जांच मुख्यमंत्री ने बिठाई थी प्रमुख सचिव गृह के द्वारा, उसमें जो लेवाना कांड के होटल मालिक हैं अग्रवाल दंपत्ति, तो उनको इसमें जेल भेजा गया था। इसकी हालांकि जमानत भी हाईकोर्ट से अब तक नहीं हो पाई है। आज जो जसप्रीत कौर ने जो इसमें मृतक के जो परिवार वाले हैं मारे गए, तो उन्होंने कोर्ट में ये अर्जी दी है कि लेवाना कांड के जो कारोबारी हैं, जो मालिक हैं, उनके साथ साथ इसके LDA के लोग भी उसमें दोषी हैं, शामिल हैं, उनकी मिली वगैरह से ऐसा हुआ, अगर वो लोग लापरवाही ना करते तो इसमें आग न लगती, और आग न लगती तो कुछ लोग जो हमारे परिवार के लोग थे वह जीवित होते, जिसको लेकर के ये बात जसप्रीत कौर ने कोर्ट से मांग की है। कोर्ट ने हजरतगंज थाने में FIR के आदेश किए हैं, तो इसमें भी मुझे लगता है जांच चलेगी। हालांकि हड़कंप इस बात पर मच गया है कि LDA के जो VC समेत जो कर्मचारी हैं उन पर जो FIR दर्ज होगी, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये कार्रवाई शायद कहीं ना कहीं न्याय हित के लिए होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल के मालिक से लेकर के कुछ लोगों को जेल भेजा, लेकिन LDA के किसी कर्मचारी पर FIR दर्ज नहीं हुई, वहाँ के JEE पर अब तक FIR दर्ज नहीं हुई, वहाँ के JEE पर कार्रवाई नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं इसमें LDA भी शामिल था, LDA के साथ तो कर्मचारी भी शामिल थे, कि जब नक्शा पास हुआ नहीं तो ऑफिस किस तरीके से होटल लेवाना की को मंजूरी दी गई, और मंजूरी देने के बाद उसका निर्माण कराएगा। उसके बाद सबसे बड़ी लापरवाही तो फायर अग्निशमन की थी, उन्होंने NOC किस बात की दे दी, और जब NOC नहीं दी थी तो फिर किस बात के लिए होटल सुचारू रूप से चल रहा था। और ऐसे तमाम होटल लखनऊ में चले, जिसको मामला अभी भी ठंडे बस्ते में पहुंच गया। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अधिकारियों ने अब मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर जसप्रीत कौर ने जो है कोर्ट में अर्जी दी है कि LDA कर्मचारियों पर FIR दर्ज हो, उनके साथ पर भी FIR करने पर वो भी दोषी है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए और उनके साथ न्याय हो सके। जी, जो अर्जी दी गई है जसप्रीत की माने, जो अर्जी दी है उसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं, थोड़ी बहुत बातें जो है वो जरूर बता दीजिए। देखिए, जसप्रीत की मां ने ये बात कही है कि होटल के जो मालिक हैं उनको गिरफ्तार किया गया, वो तो केवल संचालक थे, लेकिन परमिशन देना और होटल पे मानक के स्वरूप न चलाना, इसके लिए दोषी जो है LDA कर्मचारी। इसमें 21 लोगों के नाम दिए गए हैं, 21 में LDA VC समेत कई कर्मचारी हैं, JEE होंगे उसमें CN होंगे, तमाम जैसे लोग उसमें अभियंता शामिल होंगे, जिसमें जसप्रीत कौर ने कोर्ट से मांग रखी है कि इन सब पर FIR दर्ज की जाए, क्योंकि भविष्य में अगर इन पर FIR नहीं दर्ज होगी तो शायद और भी होटल हैं चल रहे हैं, और भी गेस्ट हाउस चल रहे हैं, जिनको लेकर के लापरवाही दिखाई देगी। और अगर कार्रवाई केवल होटल संचालक पर होगी तो ये लगातार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि जब तक मानक के स्वरूप जो काम हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार पूरी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। क्रूशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत मामले में 2 साल से फरार तत्कालीन महोबा SP मणिलाल पाटीदार ने ही शनिवार को लखनऊ ADJ कोर्ट नंबर 9 में ही सरेंडर कर दिया। IPS मणिलाल पाटीदार पर UP सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और लखनऊ कोर्ट ने फरार IPS मणिलाल पाटीदार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और पुलिस और STF फरार IPS मणिलाल पाटीदार को गिरफ्तार करने में फिलहाल नाकाम रही थी। पर आज जब
एसटीएफ फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया तो पुलिस और एसटीएफ ने राहत की सांस ली है और उन आरोप की वो महोबा में ही पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तब उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने महोबा के एक खनन व्यापारी से 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। उन्हें 9 सितंबर 2020 को निलंबित किया गया था, तब से वो फरार थे। मणिलाल पाटीदार 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ब्यूरो हेड लखनऊ से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं दानिश। दानिश, 2 साल से फरार तत्कालीन महोबा एसपी मणिलाल पाटीदार ने ही सरेंडर कर दिया है, पूरा मामला प्रकाश डाले। हाँ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आईपीएस के ऊपर इतना गंभीर आरोप है। पहली चीज तो ये पुलिस के साथ पर बट्टा लग गया और दूसरा ये कि कोर्ट ने जब आदेश कर दिया गिरफ्तारी का तो उसकी गिरफ्तारी सालों बाद होती है। ये भी पुलिस की मिलीभगत पे सवाल खड़े कर रहा है कि एक आईपीएस जब कोई क्राइम करेगा तो उसको पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, सरकार उसको पकड़वाने में मदद नहीं करेगी और उसके बाद कोर्ट के मामले में चुपचाप वो सरेंडर कर देगी, फिर उसके बाद उनके लायर द्वारा जमानत की अपील की जाएगी। ये सभी जानते हैं कि पुलिस को लेकर जब कोई मामला उठता है तो स्थानीय पुलिस हो या इंस्पेक्टर से रैंक से लेकर के और आईपीएस तक की रैंक को बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। इसमें मुझे लगता है कि मणिलाल पाटीदार की जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी नहीं है बल्कि उन्होंने सरेंडर किया है कोर्ट में और एंटी करप्शन कोर्ट में पेश हुए हैं। इसको लेकर मामला चल रहा है, एक मामला सुसाइड पर चल रहा है, दूसरा इनके ऊपर घूस का भी आरोप है। तो ये एक आईपीएस है, जब आईपीएस के ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है और आईपीएस फरार चल रहे थे, फरार होने के बाद सालों बाद इनको सरेंडर करते हैं तो इसमें पुलिस का कोई 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 क्रेडिट नहीं है। यानी कि जब पुलिस को एक आईपीएस को पकड़ नहीं पाए, ऐसा नहीं कि पुलिस के पास कोई साधन नहीं है, बड़े बड़े संसाधन है पुलिस को, बड़े बड़े माफियाओं को गिरफ्तार कर सकती है, तो ये आईपीएस को गिरफ्तार करने में पुलिस की लापरवाही कहने के सामने है। हालांकि इस मामले में जो है कोर्ट ने उनको सरेंडर कोर्ट में सरेंडर करने के बाद भले ही उनको राहत मिले न मिले ये कोर्ट का विषय है, लेकिन इनके ऊपर जो आरोप है बहुत ही गंभीर है और उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर पुलिस की इस बात के लिए बहुत बड़ा मतलब टास्क था कि इसको पकड़ना, लेकिन क्रिकेट इस बात पर है कि वो पकड़ ना सके, वो सरेंडर किया है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये आईपीएस को सरेंडर करना कहीं ना कहीं प्रशासन पे और उत्तर प्रदेश सरकार के जो पुलिस का जो एक एक्टिव मोड है उस पर कहने का सवाल निशान खड़े कर रहा है। इसमें मणिलाल की गिरफ्तारी नहीं है, सरेंडर हुआ है। हालांकि कोर्ट ने उस पर क्या कार्रवाई की ये तो कोर्ट ही तय करेगा, अभी फिलहाल सरेंडर किए गए हैं और न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। NIA ने देश भर में आतंकी कनेक्शन को लेकर कई गैंगस्टर को ठिकाने पर छापेमारी शुरू कर दी है और जांच एजेंसी की ये कार्रवाई दिल्ली समेत 50 जगहों पर हो रही है। NIA ने भारत और विदेशों में मौजूद आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के बीच बढ़ते गठजोड़ को खत्म करने के एक्शन में नजर आ रही है और पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली NCR क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। तो आपको बता दें लखनऊ से खबर है जहां पर लगातार छापेमारी जारी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो ठिकाने हैं वहां पर NIA सख्त नजर आ रही है। NIA ने देश भर में आतंकी कनेक्शन को लेकर कई गैंगस्टर के ठिकानों पर छापेमारी जो है वो शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों की ये कार्रवाई दिल्ली समेत 50 जगहों पर लगातार जारी है। आपको बता दें कि भारत और विदेशों में मौजूद आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के बीच बढ़ते गठजोड़ को देखते हुए उसे खत्म करने के लिए NIA जो है वो अभी एक्शन मोड में लगातार नजर आ रही है। एक बार फिर से दानिश वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, देश के कई सूबे में NIA की रेड चल रही है, आतंकवादियों पर कितनी लगाम लगा पाएगी? देखिए, इस बार जो NIA की रेड रही है वो गैंगस्टर को पकड़ने के लिए रही है। हालांकि NIA का मुख्य काम जो होता है वो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए होता है, टेररों को पकड़ने के लिए होता है और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए होता है, लेकिन इस बार जो NIA की छापेमारी लखनऊ में शुरू हुई वो है गैंगस्टर का। गैंगस्टर के लिए यूपी एंटी माफिया गठन बनाया गया था, पुलिस थी, लेकिन अब जो है वो NIA गैंगस्टर की कार्रवाई कर रही है। कि गैंगस्टर को लेकर के जो कार्रवाई NIA कर रही है, हालांकि ये सोचने का विषय है कि जो गैंगस्टर पर कार्रवाई हो रही थी वो पुलिस की कार्रवाई थी, पुलिस को ना करके NIA कर रही है, तो क्या पुलिस के कहीं ना कहीं कार्यशैली में कोई बदलाव हुआ है या उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये खबर नहीं गैंगस्टर कहाँ पर है?
हालांकि टेरर फंडिंग को लेकर के एनआईए कार्रवाई करती है, एनआईए जो है तस्करी को लेकर कार्रवाई करती है और जितने नशीले पदार्थ है उनको लेकर के एनआईए की बड़ी, इसीलिए एनआईए गठन किया गया था। लेकिन अब एक गैंगस्टर को पकड़ना एनआईए की भी कार्रवाई अपनी कार्रवाई है, लेकिन ये सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को नहीं मालूम है गैंगस्टर कहाँ पर है? हालांकि एनआईए ने जो कार्रवाई की है वो तो अच्छी कार्रवाई है और टेरर की फंडिंग को लेकर के जो एनआईए ने कार्रवाई की उसमें गैंगस्टर को पकड़ने की कार्रवाई चल रही है जो अभी लगातार एनआईए की चल रही है। अभी और भी गैंगस्टर हो सकते हैं जिसपे एनआईए कार्रवाई के लिए, खाली गैंगस्टरों में इस बात का हड़कंप मच गया है कि लोकल पुलिस स्टेट के साथ के बाद अब एनआईए गैंगस्टरों की कार्रवाई कर रही है। एनआईए ने 50 जगहों पर ठिकाने जो हैं वो छापेमारी जो लगातार जारी है, तो अभी तक कुछ सामने आ पाया है किसी ठिकाने का? नहीं, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, अभी इस पर कोई अपडेट नहीं। लेकिन एनआईए चूंकि जब तक कार्रवाई करती है तो वो पुलिस की तरह खुलासा इतनी जल्दी नहीं करती है। एनआईए चूंकि पकड़ेगी गैंगस्टरों को तो गैंगस्टर के पीछे कौन से हाथ हैं, मतलब गैंगस्टर है या वाकई में टेरर फंडिंग को लेकर कोई खेल है या कोई नशीले पदार्थ को लेकर खेल है, इसको लेकर के एनआईए भी तय करेगी आरोप। और एनआईए ने भी फिलहाल जो है कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, यानी कह सकता हूँ कि एनआईए की अभी वेटिंग एक चल रही है, एनआईए की इसमें इंस्पेक्शन अभी चलेगा और मुझे कौन कौन लेंगे इसका अपडेट कुछ ही देर में आ सकता है। हालांकि एनआईए की तरफ से अभी किसी बात को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है, केवल इसी जानकारी मिली है कि एनआईए का छापा पड़ा है। पूरी जानकारी साझा करने के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।